राम राम जी। दाता भला करे। आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मन और मस्तिष्क इन दोनों के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। मन में जो ख्याल उठते हैं, तर्क उठते हैं, वो तर्क जो है ना, वो साधु को उलझाए रखते हैं, और मस्तिष्क में कई बार ऐसी ऐसी बातें हैं, उपजती हैं, जिनका रूहानियत की यात्रा से दूर तक का भी कोई संबंध नहीं होता है। फिर भी ये साधक को जो है विचलित करते रहते हैं। और होता क्या है कि साधक इन छोटी छोटी बातों से कई बार परेशान हो जाता है और उसका जो है वो ध्यान बिखर जाता है। हम लोग ये सुनते आए हैं कि जैसे कोई किसी संत महापुरुष के संपर्क में आता है तो वो उसको नाम दीक्षा देते हैं, और कई संत महापुरुषों के अपने विधि विधान होते हैं कि वो कैसे अपनी पूजा करवाते हैं, कैसे किसी देवता की पूजा करवाते हैं, और उस परंपरा में वो अपने साधक को जो है वो एक तरह से बांध के रखते हैं। और साथ में ये कहा जाता है कि ये तेरे को जो नाम दीक्षा दे दी है, तूने इसको किसी को बताना नहीं है। अगर तू इसको किसी के साथ शेयर करेगा, बताएगा, तो जो तूने अपने नाम की कमाई की है वो तेरी चली जाएगी और तेरे सर से तेरे गुरु का हाथ जो है ना वो उठ जाएगा। ये बातें जो है ना वो साधक को परेशानी में डाल देती हैं कई बार, क्यों किसी के साथ अगर साधना करते हुए कोई विशेष प्रकार की अनुभूति हुई तो वो किससे पूछे, अपने गुरु भाई से पूछेगा या अपने से कोई जो पहले के नाम दीक्षा लेके सिमरन करने वाले हैं उनसे पूछेगा। हर वक्त हर साधक तो गुरु के पास जा नहीं सकता, तो ये उलझन की बातें होती हैं। और कई बार क्या होता है कि जो सबसे बड़ी परेशानी की बात आती है साधक के जीवन में, तो उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है। वो गलती का जो प्रायश्चित है वो उसको ध्यान में जुड़ने नहीं देता। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि गलती हो गई। देखिए, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो ये कहते हैं कि परमात्मा मुझसे जाने या अनजाने में अगर कोई गलती हुई है तो मेरे को क्षमा करना। और ये यकीन मानिए कि जितनी भी हम लोग गलतियां करते हैं, अगर 100 गलती की है ना, तो कम से कम 90 जो गलतियां हैं ना वो हम लोग जानबूझ के करते हैं, चाहे तो अपने मन के वशीभूत होकर करते हैं, चाहे अपनी बुद्धि की गलत धारणा के पीछे लग के हम लोग करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन बातों से कैसे बाहर निकला जाए। पहले तो ये है कि जब किसी संत महात्मा ने नाम दे दिया, दीक्षा दे दी, समझा दिया, दीक्षा का मतलब जो है वो मैं आपको बहुत पहले अपनी एक कैसेट में दे चुका हूँ कि दीक्षा कितने प्रकार की होती है और इसका दीक्षा का मतलब क्या है। दीक्षा का मतलब जो है वो दक्ष करना है, परफेक्ट करना है। परफेक्शन किसी काम की भी होती है और नाम की भी होती है। और गुरु का काम है अपने पास आए साधक को नाम में परफेक्ट करना, उसको नाम क्या है, कैसे जपना है, क्या उससे मिलता है, ये सब बातें समझाना, अपने आप से या अपने आचरण से बांध के रखना, ये साधक को कई बार बेचैन कर देता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको तो सिमरन करना है, सिमरन कीजिए, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से या हजारों वर्षों से या आजकल के युग में जब हम कहते हैं कि हम दीक्षा लेके आए हैं, तो दीक्षा लेने के बाद यही करता है कि तू सिमरन कर। विस्तार से नहीं समझाया जाता है, ये मेरे को नहीं समझ में आता कई बार कि ये परमेश्वर की क्या लीला है,
और गुरु महाराज की इसमें क्या जो है ना वो खेल रचाया है कि जो मेरे को उन्होंने जो बातें समझा दी और साथ में ये भी इशारा भी कर दिया कि तू आगे बांट दे। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो कंसेप्ट है वो मैं सिमरन से आगे चलता हूँ। जब सिमरन करते हैं तो सिमरन ने कुछ तो करना ही है। सबसे पहले सिमरन अपने मन को जगाता है, मन को अपने साथ मिलाता है और हमारे अंतर में सिमरन होने लगता है। और उसको जो संतों महापुरुषों ने सभी जो संत हुए हैं उन्होंने इसको जो अजपा जप कहा है। और गुरबाणी में संतों की वाणी में जो अजपा जप के बाद की जो बात बताई है तो उसको नाद कहा है, अनंत नाद कहा है। और मेरा जो कंसेप्ट है मैं उस पर चर्चा जो कर रहा हूँ वो यही है कि सिमरन से चलिए अजपा जप आ जाएगा। और अजपा जप से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपके कानों में कोई ना कोई गूंज सुनाई देने लगेगी। वो गूंज के बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की है। कंट्रोवर्शियल लोग भी हैं लेकिन अंदर में जो आवाज़ आती है वो तो परमात्मा की तरफ से आत्मा को अपने साथ जोड़ने के लिए आ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि गलती हो गई, सिमरन टूट गया, सिमरन करने में बैठते हैं जिन लोगों की ध्यान की अवस्था बनी हुई थी अब उनका ध्यान नहीं टिकता तो क्या करें। सबसे पहले ये होता है कि आप अपनी गलती को कबूल करो, अपने मन से ये मानो कि आपसे ये गलती हो गई है। और उसके बाद सभी धर्मों में तौबा है, पहले गलती को कबूल करना है फिर तौबा करना है कि मेरे से जो गलती हुई मैं इससे तौबा करता हूँ। और उसके बाद आगे के लिए मैं अपने जीवन में इस गलती को कभी दोहराऊंगा नहीं, दोबारा मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। तो ये अगर मन से प्रार्थना हो जाती है तो परमात्मा से माफ़ी मांगनी है, माफ़ी परमात्मा से मांगनी है। माफ तभी समझा जाएगा जब मन से ये बात बिल्कुल निकल जाए कि मैंने जो गलती की है मैंने उसको कबूल किया है, मैंने उसको कबूल किया है, मैंने उसके ऊपर तौबा की है, मैं गलती नहीं करूंगा। और उसके बाद मन शांत हो जाता है तो ये समझिए कि परमात्मा ने आपकी गलती को जो है ना वो माफ़ कर दिया है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं किसी और के बारे में जो है ना वो गलत बात कहते हैं, किसी संत के बारे में कुछ कहना जो ये गलती है ये माफ़ी के योग्य नहीं है। देखिए हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, हर बच्चे को अपने माँ बाप प्यारे होते हैं। इसी तरह जब कोई साधक किसी संत महापुरुष के साथ जुड़ता है तो उसके लिए वो जो संत सतगुरु है वो उसका माँ बाप भी है, उसका गुरु भी है, उसका भाई भी है, उसका मित्र भी है और यहाँ तक कि वो उसके लिए तो परमात्मा है। और अगर हम अपने गुरु को मानते हैं कि ये परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही रूप है, तो दूसरे के गुरु को भी तो ऐसे ही मानना चाहिए कि उसके लिए तो वही वो उसके जैसा ही है। तो इसलिए कभी भी किसी पराय संत सतगुरु की निंदा मत करो, मत छेड़ो किसी को, किसी की बात को लेके चर्चा मत करो। आपको अपने रास्ते पे चलते हुए शांति का अनुभव हो रहा है तो इसी रास्ते पे चलते रहो। तो ये बात समझने की है कि गलती हो गई, तौबा हो गया, माफ़ी मांग ली, आगे से गलती ना करने का जो है अपने मन से पक्का जो है ना वो प्रण कर लिया। तो इससे जो है ना आपको मन को शांति मिलेगी और आपका जो टूटा हुआ ध्यान है, बिखरा हुआ ध्यान है, वो फिर से वापस जैसे कहते हैं ना कि पटरी पे लौट आएगा। और इस बात को आप ध्यान में रखिए। धन्यवाद। दाता भरा करे। राम राम राम।